हलो गाइज रशियाज एज फोर हंड्रेड मिसाइल वुट ब्लो अपार्ट एफ सिक्सटीन फाइटर्स ओनली एफ थर्टी फाइव फाइटर्स आर कैपेबल ऑफ टेकिंग आउट ट्रंप यूएसए एफ बेटरियन यू एफ के बैटेरियन ने कहा है कि रशिया के एस फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम जो है वो एस सिक्सटीन के फाइटर्स को यानी जितने फाइटर प्लेन होंगे एफ सिक्सटीन वाले उन सबको उड़ा देगा केवल एफ थर्टी फाइव फाइटर्स जो है कैपेबल है इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए डू एफ सिक्सटीन फाइटर्स जेट्स स्टैंड चांस अगेंस्ट द रशियन लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल द लाइक द एस फोर हंड्रेड ट्रम्प इफ दे आर डिलीवर टू यूक्रेन तो क्या एफ सिक्सटी जेट्स जो है ये स्टैंड करते हैं चांस रशियन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो एस फोर हंड्रेड है यदि इनको डिलीवर किया जाए यूक्रेन को द लेटेस्ट कंटेंसेशन इज़ दैट द लॉसेज फ्राम द ट्वेल्व बिटवीन द एस फोर हंड्रेड एंड एफ सिक्सटीन विल बी अनसस्टेनेबल तो जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो जो है एस फोर हंड्रेड और एफ सिक्सटीन का जो युद्ध होगा वो अनसस्टेनेबल होगा जिसमें एफ सिक्सटीन को पीछे हटना पड़ेगा बट द फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लाइक एफ थर्टी फाइव इज अ बेटर पॉज टू मेजिटेट द ट्रेड एंड असेसमेंट हैज कंक्लूडेड एक साथी ने कहा एक क्रू ने कहा है कि जो एफ थर्टी फाइव फाइटर है ये एस फोर हंड्रेड डिफेंस सिस्टम को तबाह तो नहीं लेकिन हाँ उसकी मिसाइल से जरूर बच सकता है जॉन वेनेबल सीनियर रिसर्च फेलो डिफेंस पॉलिसी एट द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द एस सिक्सटीन पायलट वेटेड ऑन द स्टेबेट बेस्ड ऑन द इंटरव्यू विद अ डजन ऑपरेशनल पायलट्स फ्रॉम अ टीम कॉल्ड वेसल जॉन वेवल जो कि सीनियर रिसर्च फेलो हैं डिफेंस पॉलिसी के हेरिटेज फाउंडेशन एंड एफ सिक्सटीन पायलट भी है उन्होंने बात किया डिबेट किया इंटरव्यू किया है डजन ऑफ ऑपरेशनल पायलट्स के साथ फ्रॉम अ टीम कॉल्ड वेजल्स द वेजल्स इन ऑली नाइनटीन नाइन वर टास्ट विद्रैंकुलेटिंग एक्टिव टू एयर मिसाइल रेडार डिटरिंग लोकेशन एंड अडन अटैकिंग विद एच ए आर्म टारगेटिंग सिस्टम पॉट वेसल्स जो हैं उन्नीस सौ नब्बे में इनकी बहुत अहमियत थी जो कि टास्क किया गया था उनको काम दिया गया का था ट्रैंकुलेटिंग एक्टिव सर्फेस टू एयर मिसाइल्स रेडार्स को डिस्ट्रॉय करने का कर, डिटर्मा करना उनके लोकेशन को उनके लोकेशन का पता लगाना अटैक करना उनके पर हार्म टारगेटिंग सिस्टम पॉट से इन इज कॉमेंट्रेटरी वेनेबल मैड केस फॉर एफ थर्टी फाइव वेसल्स आर वेरी कैपेबल बट दे मस्ट हैव अ लाइन ऑफ साइट टू द टारगेट विच मीन्स दे कैन शॉट डाउन बाय द ट्रीट्स दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय कमेंटेटरी में वेन ने सीख केस लिया एफ थर्टी फाइव का जिसमें वेफल्स जो थे बहुत ही कैपेबल हैं मतलब उनकी क्षमता अच्छी है लेकिन उनको लाइन ऑफ साइट देखना है टारगेट के ऊपर जिसका मतलब है कि वो शॉट डाउन हो सकते हैं ट्रीट्स दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एज फॉर के द्वारा वो जब एफ थर्टी फाइव जेट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है यू एस एफ बेटर विदेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट डेट एस फोर हंड्रेड सैम्स वर फिलडेड फिफ्टी ईयर्स आफ्टर ब्लॉक ऑफ फिफ्टी एफ सिक्सटी फाइटर्स जेट्स एट स्पेसिफिकली काउंटर द एडवांटेज ऑफ द फाइटिंग फेलकोन ड्यूरिंग द वॉर एट सिक्सटीन पायलट्स वट नीड टू फ्लाई क्लोज एन अपू फोर एफ फोर हंड्रेड ऑपरेटर्स इन टू टर्निंग दियर सिस्टम्स ऑन ट्रेवलिंग दैम सेल्स टू द वेल्स यू एस एफ वेट्रेन पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास उन्होंने कहा कि एस फोर हंड्रेड सैम जो है ये फिलडेड किए गए थे पंद्रह साल आफ्टर द ब्लैक ब्लॉक फिफ्टी एफ सिक्सटीन फाइटर जेट्स एंड स्पेसिफिकली इनकाउंटर करने के लिए एडवानटेज ऑफ द फाइटिंग फेलकोन्स एस फोर हंड्रेड सिस्टम को लगाया गया था पंद्रह साल पहले ताकि वो पचास एफ सिक्सटीन फाइटर्स को और साथ में जो फैल्कोन्स फाइटर जेट है उनको रोक सके उस वॉर में एफ सिक्सटीन पायलट्स जो थे उनको जरूरत फ्लाई करने के लिए क्लोज ताकि वो फोर्स करें एस फोर हंड्रेड ऑपरेटर्स को टर्निंग करने के लिए अपने सिस्टम को ऑन रिवील करें दैम सेल टू द वैसल मोर देन अ डजन ऑपरेशनल वेसल्स पायलट्स आई इंटरव्यूड इन

उनका बिलीफ है कि जो ओनली फाइटर कैपेबल जो है एस फोर हंड्रेड को से बच सके और अवॉइड कर सके उन अपने पायलट अपने पायलट और अपनी जान बचा सके साथ में अपने जेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके वो केवल आप थर्टी फाइव है जो कि फाइट करने में और एसपोनेट को डिस्ट्रॉय करने में क्षमता रखता है तो आप देख सकते हैं एज फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया ने बनाया है एयर डोमिनेंस थ्रू लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डोमिनेंस जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल से बढ़ती है हम लोग भी जानते हैं कैच द वॉर इज़ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बट बोथ साइड्स आर फील्डिंग रशियन वेपनरी एंड सैम सिस्टम दर effectiveness against द फोर्थ जनरेशन फाइटर्स हैज़ डिसऑर्डेड बोथ कंट्रीज फ्राम यूजिंग एयर पावर सिस्टमेटिकली वॉर जो है रशिया और यूक्रेन में हो रहा है दोनों साइड जो है फिल्ड कर रहे हैं रशियन वेपनरी और सैम सिस्टम को उनका अफेक्टिवनेस जो है अगेंस्ट है मतलब एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है फोर्थ जनरेशन फाइटर्स जो है इन्होंने डिजॉर्डेट किया दोनों कंट्रीज़ को यूज़ करने से एयर पावर सिस्टमेटिकली रशियन सैम सिस्टम फिलडेड बाई रशियस एंड यूक्रेनियंस आर सो अफेक्टिवली अगेंस्ट द फोर्थ जनरेशन फाइटर्स दैट अ पायलट्स रियरली अटैक एनिमी पोजिशन बिकॉज द आर्ट्स ऑफ सक्सेस आर सोलो द ट्रेड हैज ड्राइविन बोथ साइड्स टू एग्जीक्यूट स्पोरेटिक पॉप ऑफ अटैक्स आर स्टैंड ऑफ ऑपरेशन विद द लिटिल टेक्टिकल मचलेस ऑपरेशनल इफेक्ट ऑन द बैकफील्ड वेनेबल सेट वेनेबल ने कहा कि रशियन सेम सिस्टम जो है फील्ड किया गया रशियस और यूक्रेनियंस द्वारा ये इफेक्टिव है फोर्थ जनरेशन फाइटर्स के खिलाफ जो कि पायलट जो है बहुत ही कम रेल अटैक करता है एनिमल्स के पोजिशंस पे क्योंकि जो वहाँ से जीत के आने का बचने का चांसेस बहुत कम है और जो धमकी है जो ड्राइव किया दोनों साइड्स को आ एक्जीक्यूट करने के लिए स्पॉटिक पॉपअप अटैक्स और स्टैंडअप ऑपरेशन विद द लिटिल टैक्टिकल मतलब बहुत कम टैक्टिकल यहाँ पर लगा सकते हैं जिसमें जो ऑपरेशनल होता है इफेक्ट जो होता है बैकफील्ड में बहुत कम होता है ऐसा वेनिटल ने कहा है वाइल द यूक्रेनियन हैस थ्री हंड्रेड द आर डिप्लॉइंग द मोबाइल एस फोर हंड्रेड नॉन एस एस ए ट्वेंटी वन ग्रावर अमाउ द नाटो नेशंस कंसाइडर the मोस्ट advanced सैम सिस्टम इन the वर्ल्ड designed टू engage the टारगेट एट रेंजेस ऑफ अप to 400 km किलोमीटर इन एन jamming जैमिंग कन्वॉमेंट यूक्रेनियन जो है थ्री हंड्रेड स्माल कर रहे हैं रशिया जो है डिप्लॉय रहा है डिफेंस सिस्टम को जिसको नाशिया की भाषा में एस डे ट्वेंटी वन ग्राउलर कहा जाता है कंसाइडर किया गया सबसे एडवांसड है सैम सिस्टम दुनिया में जो कि डिजाइन एंगेज करने के लिए रेंज चार किलोमीटर तक इन एन इंटरव्यू जैमिंग द एस्पोरेंट सिस्टम कैन ट्रैक टारगेट्स मॉड्यूलिटी एंड हाई मोबिलिटी इंश्योरिंग द सिस्टम कैन भी डिप्लॉयड एंड एंगेज द टारगेट्स विद इन मिनट्स इट इज लेटल अगेंस्ट द नॉन स्टल्प फाइटर्स एज फोर हंड्रेड जो है यह ट्रै करता है बहुत सारे स्टल टारगेट्स को जिसमें हाई मॉड्यूलिटी है हाई मोबिलिटी है इश्योर करता है जो सिस्टम है डिप्लॉय किया जा सके इन्गेज करता है टारगेट को केवल कुछ मिनट में और ये मतलब ब्रह्मास्त्र है नॉन स्टल फाइटर्स के खिलाफ दिस एज फोकसड यूक्रेनियन पायलट शू फ्लाई दियर फोर्थ जनरेशन वार प्लान आउटसाइड दस फोर हंड्रेड इफेक्टिव रेंज आर टू फ्लाई दट अ लो अल्टीट्स एंड दे come up to the एक्वायर or hit टारगेट दे कैन फाइंड बिफोर डाइविंग बैक into low लो अल्टीट्यूड इसने यूक्रेनियन पायलट्स को फोर्स किया अपने फोर्थ जनरेशन वॉर प्लेन्स को उड़ाने के लिए एस फोर हंड्रेड रेंज के बाहर जो कि इफेक्टिव रेंज जो है फ्लाई करे कम ऊँचाई पर अंटिल जब तक वो एक्वायर ना करे या हट ना करें टारगेट को फाइंड करते हैं बिफोर डाइविंग बैक इं द लो एल्टीट्यूड काउंटरिंग एज फोर हंड्रेड हैज़ बिन अ प्राइमरी फोकस फॉर बोथ नाटो कंट्रीज फॉर नाटो कंट्रीज द यू एस प्रोवाइडेड हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल टू काउंटर द लॉन्ग रेंज मिसाइल टू बी इफेक्टिव दच ए आर एम एस मस्ट बी लॉन्च फ्रॉम विद इन द मिसाइल्स मैक्सिमम रेंज एंड एट रेडार्स डेट आर एक्टिवली एमिटिंग काउंटर करने के लिए आई एस फोर हंड्रेड नाटो ने दिया है अपना खास करके अमेरिका ने अपना एर मास काउंटर द लॉन्ग रेंज मिसाइल दिया है जो कि इफेक्टिव तभी होगा जब एच एम आर लॉन्च किया जाए मिसाइल के मैक्सिमम रेंज में और रेडार के रेडार के साथ जो कि एक्टिवली एमिट कर देंगे दुश्मन के किसी भी सिस्टम को विथ नो ऑन बोर्ड सिस्टम डाटा कैन डिटोमाइंड द सेम्स लोकेशन और डायरेक्ट एड सन हिटिंग एट एस फोर हंड्रेड विद अ यू एस टू लैख डॉलर एच आर एम लॉस्ड फ्रॉम ट्वेंटी नाइन आर सुखोई ट्वेंटी सेवन इज अ लिटिल मोर देन अ ब्लाइंड लक एट्स वेनिकल वेनिकल ने कहा है कि कोई भी ऑन बोर्ड सिस्टम नहीं है जो कि डिटोमाइंड करें सेम के लोकेशन को या डिटेक्ट करें उसके अमिशन को हिट करना एस फोर हंड्रेड को जिस विद अ टू लाख डॉलर एच आर एम लॉन्सड फ्राम अ मिक ट्वेंटी नाइन या सुखोई ट्वेंटी सेवन से ये बहुत ही मतलब लक का है ब्लाइंड लग इसमें लग भी मतलब बहुत कम ही फैक्टर है द एफ थर्टी फाइव इज ओनली द सिस्टम दैट कैन फाइंड फिक्स एंड डिस्ट्रॉय आज फोर हंड्रेड एंड इट कॉस्ट मिलियंस लेस दैन टू एक्वायर एंड टेन परसेंट लेस टू सस्टेन द फोर्थ जनरेशन एफ फिफ्टीन ई एक्स एंड अ फाइटर डैट वुड बी नो मोर इफेक्टिव इन यूक्रेन देन द मिक ट्वेंटी नाइन आर सोइ ट्वेंटी सेवन आर करेंटली ऑपरेटिंग देर ही सेट उन्होंने कहा कि एफ थर्टी फाइव ही एक ऐसा फाइटर है जो कि सिस्टम है फाइन करता है फिक्स करता, करता है डिस्ट्रॉय करता है फोर हंड्रेड को और कॉस्ट करता है मिलियंस लेस टू एक्वायर और टेन परसेंट लेस होता है सस्टेन करने के लिए दैन द फोर्थ एफ फिफ्टीन ई एक्स और फाइटर जो है वो इफेक्टिव नहीं है यूक्रेन में दैन द मिक ट्वेंटी नाइन और सुखोई ट्वेंटी सेवन जो कि करंटली ऑपरेट हो रहा है यूक्रेन में तो आप देख सकते हैं एफ ट्वेंटी फाइव फाइटर यहीं स्टेल्ड फाइटर एफ जनरेशन फाइटर प्लेट जो कि खाली अमेरिका के पास है बोथ द साइड्स नाटो एंड रशिया आर प्रोलॉगिंग द वॉर रशिया इर द बिगनिंग द डिड नॉट फुली सप्रेज द एयर पावर ऑफ द यूक्रेन यूक्रेन हैज़ ऑल्सो सोन द यूज़ ऑफ सम वेज टू काउंटर रशिया ईवन नाउ दे नीड टू डेवलप टैक्टिक्स टू डिफीट एस फोर हंड्रेड ग्लोनीसर्ट लोनी ने कहा है कि दोनों कंट्रीज नाटो और रशिया युद्ध को लंबा खींच रही हैं रशिया ने युद्ध में शुरू में जब युद्ध करना शुरू किया था तो उसने यूक्रेन के हवा में मतलब उसके एरियर्स एरिया में और एयर एयर पे सुप्रियर पे वहाँ पर सारे जटप्रेन को नहीं उड़ाया जिसके कारण अभी तक युद्ध चल रहा है यूक्रेन ने भी कुछ नए तरीके यूज़ किए काउंटर करने के लिए रशिया के इवन नाउ उनको जाऊतर डेवलप करने के लिए ऐसे स्टैटिक्स या टैक्टिक्स जो कि आज फोर हंड्रेड मिसाइल सिस्टम को हरा सके। डिस्पाइट द एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कंट्रे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लामी चरंस्की हैज़ बीन विगरसली सिकिंग फाइटर जेट्स दिस वॉर्ट ऑन कंट्री हैज़ बिन रिक्वेस्टिंग द फाइटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम यूक्रेन ने सबसे पूछा है सबसे प्रार्थना की है कि भैया जी हमको फाइटर्स चाहिए तभी हम रशिया से लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे फाइटर्स जो हैं बर्बाद हो जा रहे हैं हमारे पायलट्स को भी ट्रेन किया जाए नए नए फाइटर्स के लिए और एफ थर्टी फाइव पा पायलट्स की भी जरूरत है लेकिन आफ थर्टी फाइव जब प्लेन ही नहीं होगी तो फाइटर्स कहाँ से आएंगे द थ्री वेपन्स इन द एर एल एफ सिक्सटीन दर द यूक्रेनियन एयरफोर्स क्रेम्स कैन भी गेम चेंजर आर हम्स द स्मॉल डायमीटर बॉम एंड द ज्वाइंट एयर टू सर्फेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एस डी वीज कैन गाइड फॉर डजनस ऑफ माइल्स आफ्टर बींग रिलीज एंड हेट द मोबाइल टारगेट थ्री वेपन्स जो है यूक्रेन कता कि माज से कम नहीं है तो इसमें हैं हार्मस और स्मॉल डिफेंस डायमीटर बाम है और जॉइंट एयर टू सर्फेस स्टैंड ऑफ मिसाइल है एस डी बीस जो होता है डाइड कर गाइड करती है बारह से ज़्यादा माइल्स तक डजन सफ माइल्स तक आफ्टर बीच जब रिलीज कर दिया जाए और हिट करती है मोबाइल टारगेट पर बट द डिस्टेंस डेट द एस डी बी कैन टू टूअर्ड डिटरमाइंड बाई द एल्टीट्यूड एंड स्पीड एट विच दे आर रिलीज एंड इवन एट द लॉन्गेस्ट रेंज अ फोर्ड फाइटर्स अटैम्प्टिंग टू डिप्लॉय इंप्लॉय दैम वुड बी डिटेक्टेड एंड गेस्ड बाईस फोर हंड्रेड लॉन्ग बिफोर इट कोड बी रिलीज दो मंशंस वनर्वल एट वनर्बल ने कहा है कि जो डिस्टेंस है एस डी बी का वो ग्लाइड करता है डिटरमाइन किया जाता है उसके हाइट से और स्पीड पे कि कितने स्पीड से उसको फेंका गया है और जो लॉन्गेस्ट रेंज होता है फोर्थ जनरेशन फ़ाइटर का अटैम्प्ट करेगा एम्प्लॉय करने के लिए उनको तो, तो उसको भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा इंगेज कर लीजिएगा फोर हंड्रेड के द्वारा बहुत पहले और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जैसम सास सब सोनिक स्टडली क्रूज मिसाइल्स फाइंड द लेटेस्ट डाट द लेटेस्ट ब्लॉक एफ़ फिफ्टी आर फिफ्टी टू एफ सिक्सटीन कैन कैरी आल्टर ब्लॉक्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड कैपेबल ऑफ क्राइंग कैरिंग जयसाम्स बट हैव यू तो आर टू रिसीव सॉफ्टवेयर आर फ्लाइट सर्टिफिकेशन जैसाम जो है सबसोनिक है स्टाइल से ही है क्रूज मिसाइल हैं, जो, जो, है, जो किया किया कि लेटेस्ट ब्लॉक फिफ्टी आर फिफ्टी टू या सिक्सटी जो है कैरी करते हैं ओल्डर ब्लॉक जो होता है रिसेंटली फाउंड किया गया कैपेबल है कैरी करने के लिए जैसाम लेकिन अभी भी रिसीव करना के लिए सॉफ्टवेयर या फ्लाइट सर्टिफिकेशन यदि इफ द वॉर इन यूक्रेन टीचर्स आज जस्ट वन थिंग अबाउट द एयर पावर इट इज़ दैट द फोर्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म हैव नो प्लेस ऑन द मॉडर्न बैटल फील्ड प्रोवाइडिंग यूक्रेन विथ F-16 इज द लॉटेबल बट इट वुड कॉस्टली मिस्टेक यदि यूक्रेन में केवल एक चीज़ हमको पता चलती है वो ये एयर पावर है यानी अपने हवा, हवा को अपने एयर को अपने पावर को अपने फाइटर्स को सुरक्षित रखना तो फोर्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म जो होते हैं यानी फोर्थ जनरेशन फाइटर्स जो हैं वो किसी काम के नहीं है केवल पैसे की बर्बादी है जिसको अमेरिका दे के पैसा लेकर बाद में यूक्रेन से अब बैटर स्ट्रेटी वुड भी टू कीव द यूक्रेनियन स्मोर एयर डिफेंस सिस्टम लाइक द पेट्रिय टू रशियन एयर सिक्योरिटी वाइल्ड कंटिन्यू टू सप्लाई दैम विम आर्टिलरी रॉकेट एंड टैंक्स रिक्वायर टू टेक द फ्लाइट टू डैट एनिमी वेनल्स सेमसस वेनल्स ने कहा है कि बेटर स्ट्रेटी जो होगी वो 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 यूक्रेन को ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देना होगा जैसे पटरी ऑट हो जो कि रशियन एयर सिक्योरिटी को खत्म करें कंटिन्यू करें सप्लाई करें उनको आर्टिलरी के साथ रॉकेट के साथ और टैक्स के साथ जो कि रिक्वायर्ड हैं जरूरी है टेक करने के लिए फ़्लाइट टू डाट एनिमी तो गाय गुड बाय टाटा बाय बाय